शादी विवाह मांगलिक कार्य मुंडन यज्ञोपवीत समारोह में बैंड बाजे की धुन पर बारातियों और लोगों को नाचने को मजबूर करने वाले बैंड पार्टियों की कोरोना ने बारात निकाल दी है। कोरोना वायरस ने इनके पुश्तैनी धंधे की बैंड बजा दी है। लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल से काम पूरी तरह से बंद है। धंधा बंद होने के कारण इनका रोजगार भी छिन गया है। अब वे सब्जी घुगनी और बर्तन बेचने को मजबूर है। अकेले MG रोड में 30 से भी अधिक बैंड की दुकानें हैं और यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा है। यही हाल है चितपुर और मटिया ब्रूज का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य में पाबंदियों पर कुछ छूट तो दी है, लेकिन बैंड पार्टी वालों का भविष्य अभी भी अंधेरे में है। 100 साल से बिजी हो गए साहब, मैंने हमारा पर दादा से आ रहा है। अभी समझिए, हम लोग को पहले काम अच्छा होता था बाजा का। हम लोग का दुर्गा पूजा में होता है, काली पूजा में होता है, सब पूजा में होता है, बार बार स्टाफ आता है। और हम लोग ऐसा हो गया है कि आज 2020 मार्च से जो काम बंद हुआ, अभी तक काम बंद हो गया है। हम लोग का बाल बच्चा परिवार सब भूखा मर रहा है। एक दुकान में 20-22 स्टाफ काम कर रहा है, उसका परिवार है, संसार है, हाँ मैंने बोला कुटुम्ब है। और समझिए 30 दुकान बाजा का है, इसमें घोड़ा वाला है, टंका वाला है, बत्ती वाला है, सभी का हालत ख़राब हो गया है। हम लोग का ये कर्जा ले रहे, पैसा ले रहे, सूद पैसा ले रहे, उससे लेके खा रहे, समझो मतलब मैंने हालत बहुत सीरियस चल रहा है। अगर ममता बनर्जी इस पर ध्यान नहीं दिया तो बाजा वाला भूखा मर जाएगा, अब मर जाएगा।